नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन। होली से 8 दिनों तक होलास्ट लग जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार होली 29 मार्च को है। होली से 8 दिनों तक होलास्ट लग जाता है। इस दौरान किसी तरह का कोई कार्य शुभ नहीं होता। होलास्ट आज यानी 22 मार्च से शुरू हो रहा है और 28 मार्च तक रहेगा। इसके बाद 28 मार्च 2021 को होलिका दहन और 29 मार्च 2021 को होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में होलास्ट के दौरान शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अष्टमी तिथि को कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव को प्रेम का देवता मानते थे, जिसकी वजह से तीनों लोक में शोक छा गया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और शिव ने कामदेव को दोबारा जीवित करने का आश्वासन दिया। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने भक्ति को भंग करने और ध्यान से भटकाने के लिए लगातार 8 दिनों तक कई तरह की यातनाएं की और कष्ट दिए थे। ऐसे में कहा जाता है कि इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यही 8 दिन होलास्ट कहे जाते हैं। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती हैं, लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। प्रहलाद के जीवित बचने की खुशी में दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। होलास्ट के दौरान शादी, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, नया व्यवसाय और नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह का यज्ञ हवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में नवविवाहिता को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार होलास्ट के दौरान 16 संस्कार जैसे कि विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, नामांकन संस्कार जैसे कार्यों पर रोक लग जाती है। संबंधित जानकारियों के लिए देखते रहिए ओम शक्ति टीवी। नमस्कार।